मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से लापता हुए 12 नाबालिग बच्चे मिल गए हैं। एनजीओ की टीम उन्हें कर्नाटक से अपने घर लेकर पहुंची। दरअसल डिंडोरी के समनापुर थाना क्षेत्र से 9 दिसंबर को 12 नाबालिग बच्चों को काम का लालच देकर दूसरे राज्य कर्नाटक ले जाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। इस खबर को एसीएन भारत द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया। खबर का असर यह हुआ कि आज जन साहस एनजीओ द्वारा उन 12 नाबालिग बच्चों को कर्नाटक से वापस लाकर देर शाम परिवारजनों के सुपुर्द किया गया। अपने बच्चों को दोबारा पाकर परिजनों की आंख से खुशी के आंसू झलक पड़े। सभी ने इस खुशी के आंसुओं के बीच एनजीओ के सदस्यों का शुक्रिया अदा किया। इसके कारण हम लोग एक ज्वाइंट टीम बनाई पुलिस थाने के साथ और हमने इस रेस्क्यू को शुरू किया। एसपी साहब का निर्देशन था कि बच्चों को तत्काल दस्तयाब किया जाए और फिर टीम वहां से फिर हमारे को एक सपोर्ट मिला एसएचओ खानापुर कर्नाटक से और वहां टीआई साहब ने बच्चों का बयान वगैरह लिया और फिर उनको बेलगांव रेलवे स्टेशन से रवाना किया और बच्चे वहां से सीधे जबलपुर आए और आज हमने उनको सुबह बच्चों को यहाँ पर सपोर्ट के लिया और बाल कल्याण समिति में इनकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद बच्चों को उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। चूंकि मैं आपको ये बताना लाजमी है कि हमारा जो जनसाहस है वो बाउंडेड लेबर और फोर्स लेबर पे काम करता है। जो भी बच्चे बंधुआ मजदूरी या जबरन मजदूरी के शिकार हो जाते हैं या जिनको मजदूरी नहीं मिलती तो वहाँ हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सीडब्ल्यूजी के साथ मिलकर काम करते हैं।